जो ये प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य है कि हम लोग बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी बिगुल बज चुका है और प्रथम चरण के नामांकन भी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और जिस ढंग से पूरे प्रदेश में वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रोश जातिगत जनगणना को लेकर के उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूरे किसान तीन काले कृषि कानून जो बनाया गया था उसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान जो नौकरियों में चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो या अन्य जो नौकरियों में भर्ती हो रही उसमें जिस तरह से आरक्षण की अनदेखी हो रही है उसको लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान आक्रोशित है। और जब नौजवान अपनी नौकरियों को मांग कर रहे हैं, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, सही प्रक्रिया से नियुक्ति कराने की बात हो रही है तो नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। अभी बर्बर घटना हुई है प्रयागराज की। आज इस प्रेस के माध्यम से हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए हम बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल जी के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश का अपना दल कमेरा वादी का कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ 403 विधानसभा सीट पर गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए हर कदम आगे बढ़ा रहा है, पूरी मजबूती से खड़ा है और उस पर भी मंथन जारी है। और ख़ास तौर से जो प्रमुख सीटें हैं, जो प्रथम सूची आज सीटों की सूची हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी जारी करेंगे उस पर भी तैयारियां चल रही हैं। आगामी कुछ दिनों के अंदर सभी प्रत्याशियों की सूची और जितनी भी सीटें हमारे हिस्से में आएंगी प्रत्याशी सहित हम लोग घोषित कर देंगे। आज प्रमुख रूप से प्रथम सूची जो सीटों की सूची है हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आपके बीच में रखेंगे।